नमस्कार, स्टॉप टीवीएस स्टूडियो की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भाइयों, आजकल स्टॉप टीवीएस स्टूडियो पर मैं अपने आत्म संघर्ष गाथा का वृतांत सुना रहा। अभी तक दो एपिसोड्स आ चुके हैं, आज मैं उसकी अगली कड़ी, तीसरी कड़ी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा। मैं आपको बताऊं कि मैं अपने माध्यमिक शिक्षा के क्रम में नवादा में था। नवादा एक गांव है तेगरा के नजदीक, जिसकी चर्चा मैंने की है, उसके सारी स्थितियों की, उसकी खामियों खूबियों की। खामियां तो मुझे नजर ही नहीं आई। और मैं बताऊं कि जिस स्कूल में पढ़ता था वो स्कूल के बारे में क्या कहूं, कुछ और बातें छूट रही है जो मैं कहना चाहता हूं। वहां कई ऐसे शिक्षक थे जो हमें बहुत दिनों तक याद रहेंगे, आज भी याद है। वहां एक सियाराम बाबू, एक क्लर्क हुआ करते थे, मैट्रिक पास। और आपको बताऊं कि वो क्लास 11 तक अलजबरा बहुत अच्छी तरह पढ़ाते थे। हमारे यहां एक श्रीनाथ बाबू थे, अद्भुत शिक्षक, आदर्श शिक्षक। और उनके आदर्श से प्रभावित होकर शिक्षक का कोई गुण अपने आप में अगर ला सका तो वो सब उनका श्रेय था। एक बार की घटना बताना बहुत जरूरी है। हमारे मित्र मुक्तिनाथ जी अभी बागी में ही रहते हैं, और संयोग से एक ही क्लास में, वो आर्ट्स में पढ़ते थे, मैं साइंस में पढ़ता था। हमारे टीआई हाई स्कूल के हॉस्टल और स्कूल के बीच में कुआं हुआ। वो कुआं पर उसमें होता था, कैसे ऐसे धागा में पैसा के कड़ी को वो ऐसे घुमाया करता था। वो बैठ के घुमा रहा था, पता नहीं क्लास के क्रम में या क्या। उधर से मैं क्लास में बैठा हुआ था, श्रीनाथ बाबू आए और मुझे बुलाकर एक दो तीन चप्पल दमा दी। मैंने कहा, मैं समझा नहीं कि क्यों चप्पल दी। कुछ लोगों ने भी, मेरे क्लास में भी लोग पूछे क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन कुछ देर के बाद अरे उन्होंने कहा कि तुम क्यों घुमा रहे थे। मैं नहीं, मैं सर तो था नहीं, मैं तो क्लास में हूं। लेकिन कुछ देर के बाद वो जाके देखते हैं, फिर तो वो अभी तक घुमा ही रहा था। तो उसकी जो पिटाई हुई, मुक्ति, हमारे मित्र मुक्तिनाथ जी बाद में अध्यापक भी हुए और यही बागी में घर बना लिया। तो खैर जो भी हो, उसके बाद श्रीनाथ बाबू ने आके हर एक क्लास में आके कहता था, भाई मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। और एक अध्यापक अगर छात्र के पिटाई पर क्षमा याचना करता है तो उससे बड़ा आदर्श क्या हो सकता। हमारे यहां रामचरित्र कुमार एक सोशल साइंस के शिक्षक थे, सोशल साइंस के शिक्षक मुश्ताक साहब भी थे। तो रामचरित्र कुमार थे, बाद में हम लोग ज्ञान भारती हाई स्कूल में उनके साथ मुझे काम करने का भी मौका लगा और पितृवत स्नेह मिलता रहा उनसे। एक शिक्षक उसी समय आए, राजकिशोर बाबू, लंबधंग शिक्षक और हिंदी अंग्रेजी और कई विषयों के इतना पारंगत थे। और वो कभी कभी हमको तो लगा कि वो कुछ स्कूल के लिए हेडमास्टर साहब से कभी उनका कुछ डिफरेंस हो गया तो बच्चों को लेकर काशी में जाके पढ़ाते थे। उसमें शांति निकेतन के बारे में जो चीजें मैंने पढ़ी थी वो मुझे याद आ जाता था। चलिए, रामचंद्र राव की चर्चा मैंने की थी। और एक बहुत सारे संस्कृत के भी शिक्षक थे, बाद में एक संस्कृत के शिक्षक उनका हो गया मिडिल स्कूल के, शायद कहीं हेडमास्टर में या जिसमें, वो पद रिक्त हुआ तो एक शिक्षक, संस्कृत शिक्षक की वैकेंसी निकली। तो कई लोग आए, उसमें शत्रुघ्न बाबू आए और एक आए, वो नाम मैं भूल रहा हूं, वो बाद मंसूर चक में वो काम किया। तो वो पंडित जी आए, रानी घर था। और उन्होंने जब हितोपदेश के बारे में जब लोगों ने इंटरव्यू के क्रम में पूछा तो उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बताई हितोपदेश के बारे में कि उनकी नियुक्ति होना स्वाभाविक था। तो उनकी नियुक्ति तो हो गई, लेकिन वो कभी देर से आते थे, कभी सवेर चले जाते थे। आज पूजा है, आज श्राद्ध है, आज विवाह है। हेडमास्टर साहब ने कहा, पंडित जी आपसे अब मास्टरी नहीं होगी, तो उनको मुक्त कर दिया। और बाद में जब हम लोग 11th क्लास में थे तो हमारे एक आदर्श विज्ञान के शिक्षक, जो बाद में शाहपुर पटोड़ी कॉलेज में मैथमेटिक्स के प्राध्यापक भी हुए, अब दुनिया में नहीं है, रामेश्वर बाबू, संभवतः लवटोल के थे। और वो आके पूछते हैं कि एक नौजवान जैसा जो आया था उनको रखा जाए। हम लोगों ने कहा रख लिया जाए,
क्या संस्कृत पढ़ाई हो नहीं पा रही थी, हम लोगों को मैट्रिक का इम्तिहान देना। तो एक नौजवान को जो भर्ती की गई फिर से, वो हमारे शिक्षक नेता शत्रुघ्न बाबू थे। शत्रुघ्न बाबू के हमारे 11th क्लास में आने के बाद जो पहला क्लास हुआ, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। लड़की बड़ा खुश कि इस बार जो पंडित जी आए हैं उनको अंग्रेजी भी आती है। इस बार के जो पंडित जी आए हैं, क्योंकि वो तो आए थे संस्कृत पढ़ाने के लिए, पर संस्कृत शिक्षक को पंडित जी कहा जाता था, तो कहे कि इस बार का जो पंडित जी आए हैं उनको वो अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं। तो बड़ी चर्चा हुई। खैर चलिए, बाद में तो क्या क्या हुई सब आप जानते हैं। हमारे देशी बिहार ही नहीं देश के वो नेता हुए, चलिए उनको नमन करते हुए मैं अपनी बात को स्कूल में तो मैं पास ही कर गया, और सारी बातों को रखते हुए अब कोई खास बात मुझे स्कूल के लिए नजर उल्लेखनीय नहीं आती है। लेकिन मैंने जो त्याय हाई स्कूल में निकेट सीखा, मैंने तौर तरीके सीखा, पढ़ने पढ़ाने की तरकीब सीखे, उसका वो हमारे जीवन के लिए बड़ा ही वो उपयोगी रहा। अब मैं नवादा में फिर से चलता हूं, वहां एक भगवती स्थान हुआ करता था, उसके बगल में एक लाइब्रेरी थी, जो लाइब्रेरी चलती नहीं थी उसी में हम लोग किसी तरह रहते थे, और उसी में हमारी माँ और मैं रहा करता था। कभी कभी हमारी बहन भी आ जाती थी, छोटी बहन की मृत्यु तब तक हो चुकी थी, अब हम लोग दो भाई बहन बचे थे। हमारी फुआ थी वो गांव में रहती थी, और आज भी मुझे याद है कि नवादा से गोलका कदुआ जब लेके आता था मैं सान्हा, तो सान्हा से हमारी फुआ लमका कदुआ दे देती थी वहां ले जाने के। मैं परेशान था, वहां से गोल कदुआ लाता था, यहां से लंबा कदुआ लेके वहां जाता था। और हमारी फुआ अद्भुत, मैंने क्या मां का स्नेह उतना मिल सका, वो हमें लखमिनिया स्टेशन तक सान्हा से पहुंचाने आती थी और फिर पैदल लौट के जाती थी, और मैं कहता था क्यों जाती हूं मैं चला जाऊंगा, लेकिन वो मानती नहीं थी। ये स्नेह, ये जो मां का जैसा प्यार मिला फुआ से, वो अद्भुत। इसी क्रम में मैं नवादा के अपने प्रिय मित्र सुग्गी राय, शत्रुघ्न राय जो नाम था, सुग्गी राय की चर्चा किए बगैर हमारा ये जो संस्मरण है अधूरा रह जाएगा। बड़ा स्नेह, मुझे तो याद है कि वो अपने जीवन में जितने भी क्लू थे या जो भी कोई भी गोपनीय बातें नहीं थी जो हमसे शेयर नहीं करता, और वो इलाके का एक अच्छा खासा पहलवान भी था, और मैं उठा के मुझे ले जाता था और कहता था चल कुश्ती लड़, और उठा के पटक देता था वो खेत में जो कोड़ा हुआ उसका, जो कुश्ती लड़ने का जो अखाड़ा हुआ करता था। और मुझे याद है कि वो ये मुझे कुश्ती लड़ाने का असफल प्रयास करता रहा, तो मैं तो कुश्ती नहीं ही लड़ सका, ना कोई अपना बॉडी को ही बिल्ड कर सका। बॉडी बिल्ड तो उसका भी नहीं था, लेकिन ताकत उसके पास बहुत थी, और वो आजीवन बेचारा निभाया। मेरे वहां से छोड़ने के बाद भी उसका स्नेह हमारे साथ बना रहा, और हम लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहे, तरह तरह के कार्यक्रमों में शादी विवाह के अवसर पर वो आता जाता रहा। वहां नवादा में एक और घटना मेरे साथ घट गई। तब तक मैं मैट्रिक पास कर चुका था, मैट्रिक पास करके मैं आ गया जीडी कॉलेज। जीडी कॉलेज में इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट उसमें नहीं था, प्री यूनिवर्सिटी में 1966 में मेरा एडमिशन हुआ। मैंने साइंस तो खैर था ही, लिया ही, और यहां पढ़ने लगा बाघी में रहकर, जो हमारे फुआ का घर था, और वहां से रोज स्कूल जाता आता जाता आता। अच्छा है, वहां एक मेरी भाभी थी, बड़ी भाभी बहुत मानती थी, उसमें छोटे भाई का तो फुफेरे भाई जो थे उनकी शादी भी नहीं हुई थी, उसके बाद हुई शादी। बहरहाल और 69 में उसमें शादी उनकी हुई, 69 में क्या हुआ कि मेरे एक मामा थे, वो मामा थे वो भोला मामू, भोला मामू की शादी हुई, और उसी समय हमारे गांव में एक लीली भाई थे लाडली सरन, उनकी शादी भी तय हुई। और वो शादी जो तय हुई, तो चूंकि वो शादी उस परिवार से मेरा पहले भी संबंध था, और उस शादी कराने का श्रेय मेरी फुआ को ही जाता था, चूंकि उनके चाचा आए थे मेरे ऊपर ही बर्तुहारी करने के लिए, तो उन्होंने कहा हो रामदेव तो मियां भे गया, एगो भाई के बहन से ब्याह कर लो, एगो भाई के बेटी से ब्याह कर लो। बहरहाल तो उसमें मैं छोटा भी था, तो वो चले गए, और लाला लाडली सरन हमारे जो चचेरे भाई हुआ करते थे उनसे उनकी शादी हो गई। उस क्री में अब मेरे सामने प्रश्न उठा कि मैं भोला, एक ही डेट था,
भोला मामू के बाराती का और ली भाई के बाराती, तो सवाल था कि मैं कहाँ जाऊं, मुझे मेरा आकर्षण था लीली भाई के शादी में जाने का, तो मैं वहां ही गया, जो मेरे लिए हमेशा काल ही बना, भोला मामू के बारात में जा नहीं सका। और वहां जब नहीं गया तो वहां खिचड़ी पक गई, भोला मामू की शादी हुई जिस गांव में, उस गांव में बहुत बड़ी बड़ी बातें थी, उस परिवार में मिले थे क्या थे उस समय में, तो लोग आए हमारे ननिहाल और हमारे भोला मामू राम लखन मामू राम आधार मामू तीनों मिलके माँ को कहने लगे कि अनिलवा के ब्याह कराई नहीं, ये बड़ा बढ़िया लड़की देखलियो। माँ तो तैयार थी नहीं, मैं पार्ट वन का विद्यार्थी था, शादी की कोई उम्र भी नहीं थी, लेकिन उस तरह से उन्होंने जो प्रेशर दिया, और मैं जानता हूं कि औरत के गार्जियन होने से क्या क्या कठिनाई होती है, उन्होंने कहा कि देखी तुमको इतना पैसा दे देगा, साइकिल घड़ी दे देगा, साइकिल 3 लाख में, खिलखिलाए में दे देगा, घड़ी फल्ला में दे देगा, रेडियो, ये सब इस तरह से बताने लगा। इसके मुंह से निकल गया कि सब पहली ले, फिर बात खत्म हो गई, ताली बज गई कि ठीक है सब पहले मिल जाएगा, बात इसको फाइनल माना गया। लोग आ गए हमारे बर्तुहारी के क्रम में नवादा, नवादा आए, बातें चलने लगी। मुझे आज भी याद है गुलाब बाबू थे, हमारे फादर इन लॉ थे, हमारे अमरेश जी थे और कुछ लोग थे। तो इतने लोगों के आने के बाद जब नवादा में बातें होने लगी तो कई लोगों ने समर्थन किया, कई लोगों ने विरोध किया, और नवादा इस समुदाय के लोगों का गांव था जहां शादियां बचपन में ही हो जाया करता था। लोगों ने कहा शादी का उम्र तो हो गया, कर देना चाहिए, लेकिन भाई कायस्थ में वो शादी उस उम्र में होती नहीं थी, और इसीलिए हमारे एक राम प्रकाश जी थे, उन्होंने कहा कि नहीं अभी लड़का पढ़ने वाला है, इसको अभी शादी के पचरे में नहीं डाला जाए। तो लोगों ने उसका खिलाफ किया, उनका कहा कि ये भड़काता है लड़का। खैर शादी तय हो गई, उसमें एक से एक दबंग लोग उस गांव में थे जिनकी बात हमारी माँ भी नहीं काट सकती थी, तो शादी तय हो गई और शाम में सब उनके वो सिलसिला शुरू हुआ, वो हरदी और दुबी रंगा गया, गीत होने लगी, पेट्रोमैक्स जला, मैं घबरा गया कि अब तो मेरे सामने कोई उपाय नहीं है, अब तो मेरे सामने कोई उपाय नहीं था। मैं वहां से एक बुशर्ट पहना, धोती को लुंगी की तरह, लोटा लिया और शौच जाने के बहाने निकल गया, और लोटा लिए कोना कोनी आते आते तिघरा रेलवे स्टेशन पर चलाया और ट्रेन पकड़कर बरौनी, और बरौनी में एक धनबाद में टीटी थी हमारे पोफेरा बानवे रत्नेश्वर राव, वो मिल गए, ट्रेन कहाँ है नम देखते हैं लोग लोटा वोटा हाथ में लिए हुए है, हमने कहा कि ये घी ले गए थे, बहरहाल जो भी उनको कह दिया, फिर उनके साथ चलाया मैं भागी। फूफा को मैंने सभी बातें सही सही बताया, फूफा बड़ा खुश हुए और कहेंगे अरे तुम्हारी माँ को पता नहीं क्या हो गया है, भले चले आए रहो अतमान से। अब उसी समय मेरी छोटी बहन की शादी का निगोशिएशन खगड़िया में चल रहा था और वहां जाके तय करना था, तो मैं सुबह उठ के जब रेलवे स्टेशन जाने लगा खगड़िया जाने के क्रम में, तो माल गोडाउन उसमें आज की तरह नहीं कुछ दूसरे तरह उसका कंस्ट्रक्शन था, तो माल गोडाउन के नजदीक मैं देखता हूं कि मेरे दो मामा भोला मामू और राम लखन मामू दोनों एकदम सामने से आ रहे हैं। उन्होंने कहा क्या कर दिया, क्या कर दिया, तो रात भर हम लोग रेलवे लाइन पर तुमको ढूंढते रहे, तुम्हारी माँ हल्ला करने लगी हमारा बेटा कट गया होगा, फल्ला हुआ ये हल्ला वो हल्ला, तो हम बोले मुझे शादी नहीं करनी थी, आप लोग जबरदस्ती कर रहे थे इसलिए मैं भाग आया। कहा न चल के माँ को हम सपुर्द कर देंगे, हम अपना मुक्त हो जाएंगे और फिर तुम अपना। अब लगभग वो जबरदस्ती करते हुए मुझे वहां से चढ़ा के फिर बरौनी ले गए, बरौनी से फिर तेगड़ा ले गए, तेगड़ा से फिर नवादा ले गए, और नवादा में देखा तो सारे लोग बैठे हुए थे, और सारे लोग बैठे हुए थे और गांव के 2-3 सरपंच साहब फलाने ठिकाने सारे जो वरिष्ठ लोग थे वो लोग कह रहे हैं कि गांव में बर्तुहार आ गया है, किसे बुलेगा, गांव के प्रतिष्ठा का सवाल है, तुमको शादी करनी ही पड़ेगी। क्या बताऊं मैं, न चाहते हुए भी शगुन का रस्म पूरा कर दिया गया, फिर शादी भी वहीं से हुई, हम लोग बारात भी गए। अब उसका बहुत ज्यादा कहानी कहेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे बितंडे हुए और
मैं इसको कहना नहीं चाहता हूं, चलिए इसको मैं यही खत्म हुआ और मेरी शादी हो गई। नवादा से ही हमारे कुछ रिश्तेदार गए, बड़े सारे रिश्तेदार गांव के लोग, बहुत सारे नहीं गए लेकिन कुछ लोग गए थे, और वहीं से शादी हुई और आज तक मैं उस शादी को झेल रहा हूं। शादी में एक बात आई थी, उसमें मेरे कई मुकदमे थे, तो हमारे ससुराल वालों ने कहा कि मुकदमा हम लड़ेंगे, कि जहां तक पढ़ेंगे हम करेंगे, तो चलिए ये बात आई। लेकिन मुझे याद है कि ना उन्होंने कोई मुकदमा लड़ा, न मेरे पढ़ने लिखने में कोई मदद की। खैर, इसकी चर्चा करके बात को बिगाड़ने की कोई कोशिश नहीं। संयोग से पत्नी जो मिली वो बहुत ही अच्छी मिली, और पत्नी इतनी अच्छी मिली कि हमारे साथ आज तक बेचारी हमको झेल रही है। क्योंकि कि मैं तो एक पिकुलियन प्रकृति का व्यक्ति हूं, पैसे को, धन संपत्ति को कौड़ी के तरह समझता हूं। मैंने कितनी अपनी धन संपत्ति और पैसे बर्बाद किए इसका कोई लेखा जोखा नहीं। आंकड़ा मैंने पहले ही कहा था कि ये अरब में जा सकता। खैर छोड़िए, मेरी उसमें मेरी शादी के बाद मैं लग गया सिस्टर की शादी के सिलसिले में, खगड़िया जाने आने लगा। हमारे गांव के दो बड़े सज्जन, जब खगड़िया में मैं अपने बहन सिस्टर की बरदुआरी कर रहा था, तो दो बड़े भयंकर सज्जन, नाम न लो तो अच्छा है, चूंकि हमारे गांव वाले तो समझ ही गए हो जाएंगे, वो पहुंचे खगड़िया हमारे बहनोई के पिता श्री हरिनंदन प्रसाद जी के यहां, और उनकी पुत्री की शादी हमारे गांव में थी इसलिए वो संधि ही कहते थे। तो उन्होंने कहा कि संधि सुन लियो कि अनिल तारा के बिया अनिल के बहन से कह रहे, कलकिन तय तो नहीं भले हम, लेकिन एलखिन अनिल जी नहीं मत कीजिएगा। कलखिन से कहा तो अनिल की शादी जो हुई है ना वो कायस थी नहीं। कलखिन तब क्या है, तो सो तो हम नहीं जानते हैं, कायस नहीं है, कैसे जानते हैं, कहां हुआ ये भी हम नहीं जानते, तभी जानबेन करते हैं किसके यहां हुआ जानबेन करते हैं, तो कायस नहीं ये कैसे जान गए। तो उन्होंने कहा कि वो बात बताइए, कैलाश बाबू कायस थे, मेरे पिताजी का नाम कैलाश प्रसाद था, तो कहा वो तो थे। कलखिन तो कैलाश बाबू का ना बेटी है, उसकी ना बेटी कैलाश बाबू की ना बेटी है, तो कैलाश बाबू की बेटी अगर कायस है तो क्या हर्जा है, तो अनिल के साथ ही सबको क्या लेना देना है, जात के नाम पर हम शादी नहीं रोक सकते, नंबर एक। नंबर दो कहा कि समझे अनिल के तो बाप नहीं छे ना, तो कलखिन नहीं, कलखिन हो जिकरा बाप नहीं रहे छे, समाज के लोग वो उसका बाप बन के उसके उस घर की लड़की की शादी कराना चाहता है कि तोरा ऐसा आदमी हो क्या गुंडेपनी करा चल आवे, अरे शादी नहीं तय होने दोसर बात है, लेकिन तो अपना भर कोशिश करे लाइक लोग ब्याह के गाँव नहीं हो, बहरहाल उनको तो लजा के भेजे, और बाद में वो खुद अपने हम सबको बताए कैसे ऐसे फलाना फलाना आदमी आ, वो तो नाम भी हमको बताए, लेकिन मैं नाम यहां नहीं कह रहा इसलिए कि दोनों अब स्वर्गवास हो चुके हैं, और नाम लेने से थोड़ा सा मैंने कहा था कि कहीं कहीं नाम मैं छिपाऊंगा, उसमें यह भी है। और उसके बाद शादी तो हो ही गई, बाद में उन्होंने कहा कि देखो शादी करवाइए लो दोनों एक खुलना, कोई कारण से अगर शादी रुकतो ना तो दोनों गुंडबा खुश होकर के हम ही भर के लिए। कितनी बड़ी बात, आज भी मुझे याद हो के हृदय विदीर्ण हो जाता। लगे हाथ उस कड़ी की एक और कहानी सुना दूं, उसमें से एक की बेटी की शादी बागी में होने लगा, तय हुआ, तय होने के लिए आए वो लोग, तय तो नहीं था, तो वो हमारे फूफा के भाई थे, हमको बड़ा मानते थे, बागी में तो हमको सब मानता था, तो जहां भी जाते लोग मानता ही। तो उन्होंने कहा कि कहां घर हुआ, तो सना अनिल के घर जस्ट उसके बगल में, वो मुकदमा ऑफिस चलता था। हाँ, तो कल के ठीक है अनिल से हम बात कर लेंगे, तू कल के अनिल से बात कहिएगा तो होने देगा, यही बात वो बोले। जब आए तो हमारे चचा ही कहते थे उनको, कहने अनिल सुनो, अरे फलाने का बरतुहार आए थे तुमने गांव का फलाने आदमी, अच्छा तो उनकी बेटी से आया था, सो कैसा रहेगा, हमारी बेटी तो बड़ा सुंदर छो, तो कह सके छो, कल की तो कुछ अलग बात कहा, क्या कल अनिल से पूछिएगा तू नहीं होने देगा, आपके क्यों नहीं होने देंगे, लड़की अच्छी है, लड़की बुरी रहती तो हम आपको बुरी कहते, अच्छी है तो अच्छी क्यों नहीं कहे,
आप जानते हैं वो क्यों कहे? तो कहने हम बोले वो हमारे बहन का ब्याह भड़काने गए थे, ऐसे ऐसे कह पूरी कहानी सुना दी। वो जोर से हंसे, हालांकि वो शादी नहीं हुई, लेकिन वस्तुतः मैंने हाईली रिकमेंड किया था कि आप उस लड़की से शादी कर सकते हैं। तो भाई मेरी मंशा कुछ इस तरह से रही कि जो मेरी बहन की शादी को भड़काने की भी चेष्टा किया, उसकी बेटी की शादी मैं नहीं भड़का सकता। चलिए खैर जो भी हो, तो इस प्रसंग में वो हो गया। आपको मालूम चर्चा मैंने किया था कि मेरे ऊपर कई मुकदमे लाद दिए गए मैट्रिक पास करने के बाद। मैट्रिक पास करने के बाद हमारे कुछ मोहल्ले के लोगों, अपने लोगों ने, वो लगा जिनके बाल बच्चे अभी तक मैट्रिक पास नहीं किए थे उनको बड़ा अखड़ गया। आज 6 अंकों से मैंने पास किया था और कॉलेज में पढ़ने लगा। मैं पढ़ने में कुछ अच्छा था, लोगों के नजर पर चढ़ गया। अब लोग चाहने लगे कि इसकी पढ़ाई कैसे बंद हो, तो लोगों ने कुछ चक्कर रचा। मेरे उसमें एक बस मिट्टी थी जिसको पड़ोसियों ने कहा कि हमरा, और जबरदस्ती घेरा घेरी में डिस्टर्ब करता था। एक दिन इसी डिस्टर्ब करने के क्रम में, वो तीन भाई थे, एक भाई बेचारे बहुत भले थे, आज मर गए तो उनका भला मैं नहीं कहूं ऐसी बात, बहुत भले थे, उनको लोगों ने चढ़ा दिया और वो कूद पड़े। और वहां जब मैं खंती से अपना टट्टी लगा रहा था तो वो उसको नोचने लगे, बात बढ़ गई, मोहल्ले के लोग आ गए, मारपीट तक हो गई। और जब वो भाला लेके मेरे ऊपर दौड़े तो मैंने खंती को फेंक दिया, हाथ में खंती था वही फेंक के मारा, जो उनके हाथ में लग गई, ये उंगली कुचला गया, जो बाद में सुनते हैं कि वो कट भी गया, वो बिल्कुल 10 से 9 उंगली का हो गए थे। और मुकदमा चली और एक के बाद दो, एक और पड़ोसी थे उनको भी चढ़ा दिया गया। फिर वो इतना मुकदमों का दौड़ चलाना कि मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसमें मैं क्या बताऊं, इस मुकदमे की कड़ी में खैर हमारे जो ससुराल वालों ने कहा देखेंगे, काहेल देखने के लिए आते, फिर हमारे फूफा ही देखते थे, हम लोग कर लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। हमने पार्ट 1 भी पास किया, BSc भी पास किया, और BSc पास करने के बाद एक एक करके सारे मुकदमे भी जीते। जीतने के बाद अब हार गया हूं, अब हार रहा हो गया हूं अपना सब, लेकिन उस समय सारे मुकदमे जीते और गांव के लोगों को, समाज के लोगों का जिस तरह से साथ रहा, मैं आज भी सान्हा गांव को और समाज के लोगों को नहीं भूल सकता। और आज भी याद आती है तो कभी कभी रात रात भर नींद नहीं आती। उसमें वैसे लोग भी हैं जो हमारे बहुत करीब हैं, और मैं क्या कहूं, जिसको मैं अपना मानता हूं कभी कभी वो भी अपना नहीं मानता। चलिए अच्छा है, जिंदगी का एक अनुभव, लेकिन अनुभव लेके तब ऊपर ही जाना है ना। तो चलिए ठीक है, इस तरह से मुकदमे हुए, बगल की जमीन भी वो हारे, पूरा का पूरा मेरे कब्जे में चलाया और मैं रहने लगा। मेरी मां नौकरी में थी, बदल के बेगूसराय, फिर सायपुर कमाल, इस तरह से आके उस घर पर रहना शुरू की। मेरी बहन की शादी हो चुकी थी, मेरी बहन की शादी हो चुकी, यह भी प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ना कि अपनों ने मुझे मारा, औरों में कहा दम था, डूबी थी जहां किश्ती वहां पानी बहुत कम था। सच पूछिए तो उस अपनी बहन की शादी के लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, कुछ जर जमीन भी बिके और भी जो कुछ हुआ बहुत अच्छी तरह से हुआ। कुछ दिनों के बाद मेरी नौकरी लगी। नौकरी क्या लगी? तरवन्ना हाई स्कूल में। तरवन्ना हाई स्कूल में जब नौकरी लगी तो 50 रुपये मुझे वेतन मिलते थे। आज भी वहां के हेडमास्टर श्री रुद्रनारायण बाबू मुझे याद आते हैं, इतने अच्छे, बड़े भाई की तरह, पिता की तरह वो मानते रहे, और आज भी मैं उनको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। उस तरवन्ना स्कूल में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका बड़ा स्नेह रहा करता था। मेघो बाबू थे, ये महंत जी थे, और कई लोग थे जिनका नाम भी मैं भूल रहा हूं आज भी, वो जय बाबू है, एकदम घरेलू संबंध जैसा मेरा हो गया था। और मैं वहां बिल्कुल आनंद पूर्वक रहा। लोग चार्ज लगाते थे रुद्रनारायण बाबू, बड़ी कुर्मी को ही बहाल करते, लेकिन मैं कायस्थ था। एक मेरे मित्र शर्मा जी थे, एते श्यामूल थे, सारे लोग थे, लेकिन पता नहीं क्यों लोग चार्ज लगाते हैं। और थोड़ी सी कमजोरी भी होती है तो होती है, होना ही है सबको, आजकल तो खुलेआम हो रहा। तो चलिए मैं वहां तरवन्ना में काम करने लगा, 50 रुपये दरमहा मिलते थे और कुछ 250 ट्यूशन घुमा लिया करता था। उस समय 300 रुपये बहुत होते थे,
मैं 1973 की बात कर रहा हूं, सन 1973 की बात कर रहा हूं। अब मैं एक प्रसंग सुनाओ, स्कूल के कई प्रसंग सुनाना पड़ेगा, जब वहां तक पहुंचा हूं घूमते घामते तो प्रसंग तो सुनाना ही पड़ेगा। पहली बार जब मैं बीएससी का परीक्षा देकर आया तो चला जाता था सन्हा हाई स्कूल में, तब तक क्लास लेने के लिए। तो शर्मा जी जा रहे थे, उन्होंने कहा कहां जा रहे हो, तरवन्ने चलो ना, हमारे दो साइंस टीचर अभी ट्रेनिंग में गए थे, भाई तरवन्ना चला गया वहां पढ़ाने के क्रम में हेडमास्टर दसवां क्लास में, उसमें ग्यारहवां तक होता। तो पहली घंटी में जो दसवां में गया तो अटेंडेंस लेना शुरू किया, 1 यस सर, 2 यस सर, 3 यस सर। हमने कहा के हंस रहे हो, कल के हम ही तो हंसवे के लिए है, अब नाम नहीं लेंगे, फलना गुरु जी में तो ढेला चले गए। हमें कहिए फलना गुरु जी में तुम ढेला चला सकते हो बाबू, हमें ढेला क्यों चलाओगे, ढेला चलाने का तो कुछ कारण ना होना चाहिए। मैं आया हूँ, मैं पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बीएससी का इम्तिहान दिया हूँ। अरे तुम तो अभी दसवें में आए हो, एक दो साल रंगदारी किया, हम तो जीडी कॉलेज में भी 4 साल रंगदारी करके आए। तो वो दिखा कहाँ घर, कल के परोड़ा, हम ग्लैमर घर सालहा। तब उस विद्यार्थी को लगा कि वास्तव में ये हमारे गांव के सदैव उभरता है गांव के प्रति, तो कहा हमारा घर परोड़ा, हम ग्लैमर घर सालहा। तो खैर हुआ, हमने कहा देखो बाबू, मैं जो आया हूं पढ़ाने के लिए, मास्टरी करने नहीं आया, मैं तब तक के लिए आया हूं, अब मैं पढ़ाना चाहता हूं, जरा देखो अच्छा लगे तो पढ़ो, नहीं अच्छा लगे तो मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हंसने का बोलने का ढेला चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं सर, नहीं सर, आप कोई ना कुछ करेगा, कोई ना कुछ करेगा। आज संयोग से उसके पहले में बेगूसराय में खूब ट्यूशन करता था, और ट्यूशन ही नहीं करता था, एक कोचिंग भी चलाता था, इसलिए मैट्रिक तक पढ़ाने का तो पूरा अनुभव था। तो मैं वहां पढ़ाने लगा, लोगों ने पढ़ाई को पसंद किया, और फिर कहा हमारा कभी कोई क्लास में हल्ला करेगा, और कुछ नहीं हुआ। चलिए इस काम को पार करते हुए मैं निकलता हूं, और फिर हेडमास्टर साहब ने कहा कि अब आप इस विद्यालय में रहिए, मैं आपके बहाल कर लेता हूं। फिर प्रोसीडिंग लिखी गई, और प्रोसीडिंग में एक इंक्रीमेंट का चक्कर जो आता था, उस चक्कर में 1-10-73 कर दिया गया। मैं पहले से ही जाता था 1-10, और सरकारीकरण होने के क्रम में जो चिट्ठी आई उसमें 28-9-73 के बाद जो अल्टरनेट टीचर नियुक्त हुए थे उनकी मान्यता रद्द कर दी गई, मेरी मान्यता रद्द हो गई। मैं फिर बिखर गया, और स्कूल से मेरी हालत खराब होने लगी, मुझे लगा कि अब स्कूल मेरा छूटा। लेकिन उस समय मैं कई जगह इम्तिहान दे रहा था, रिफाइनरी में इम्तिहान दिया, वहां ऑपरेटर में चुना गया, उसके पहले इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन में कम्पीट कर गया, लेकिन अर्थाभाव में और लोगों के न सहयोग, आर्थिक सहयोग जो ससुराल वालों ने गछा था उनके भाग जाने के कारण, तो मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले सका। तो फिर एक नौकरी मिली रिफाइनरी केमिकल ऑपरेटर की, और उसका जब ट्रेनिंग करने के सीटीआई बॉम्बे जाने की बात आई तो कुछ पैसे तो चाहिए थे, उसके अभाव में भी मैं सीटीआई बॉम्बे, जब सीटीआई बॉम्बे ट्रेनिंग के लिए बेगूसराय में, जब तक बड़ौनी में ट्रेनिंग हुआ तो मैंने किया, और जब सीटीआई बॉम्बे भेजा जाने लगा तो उसमें कुछ तो पैसे चाहिए, 1500 भी तो चाहिए, वो पैसे के अभाव में मैं नहीं जा सका। और उसका दूसरा कारण मेरे मुकदमे भी थे, वो तो था ही मुकदमे भी थे। उसमें मुझे याद आ रहा अपने नाम लखन मामू का, जब मैं ननिहाल गया तो उनके पास एक भैंस थी, उन्होंने कहा कि भैंस बेच के तुमको पैसा दे देता, अगर वो भैंस बेच के भी मैं पैसा ले लेता तो उनको हाथी भी खरीद के दे सकता था नौकरी के बाद। वो मुझसे भूल हो गई, मुझे लेना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं लिया, और आज मैं चूक गया रिफाइनरी की नौकरी से, जो 1974 में हुई थी, और 76 आते आते मथुरा जो रिफाइनरी स्टार्ट हुआ, और 3 साल का ट्रेनिंग था उसको पूरा नहीं होने दिया, 2 साल में इस सबको एब्जॉर्ब कर लिया, और हम जिस लिस्ट में चयनित हुए थे उसमें 13 नामों में मेरा पहला नाम था, 13वां नाम जिसका था सम पटेल थे हमारे मित्र। मैंने कुछ दिनों के बाद उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तो अभी मेंटेनेंस इंजीनियर हूं, और सारे लोग अभी डीजीएम रैंक में है, आप रहते तो डीजीएम तो कम से कम रहवे करते, इससे ऊपर भी जा सकते थे। उसमें मुझे अफसोस नहीं आया, इसलिए कि मैं स्कूल में था और स्कूल की नौकरी मेरे लिए सर्वोपरि थी, और बहुत आनंददायक नौकरी मैंने इसे माना। हाँ, मैं आपको कह रहा था उस समय रिफाइनरी के नौकरी के बाद मेरी नौकरी पोस्ट ऑफिस में, वो जब छोड़ दिया पोस्ट ऑफिस में लग गई,
पोस्ट ऑफिस में मेरी पोस्टिंग लग गई, उसमें भी 100 में 100 अंक आया। मैथमेटिक्स की परीक्षा होती थी और मेरी नियुक्ति बेगूसराय में हो गई। बेगूसराय एसबीसीओ में एलडीसी में अपॉइंट हुआ, फिर यूडीसी हो गया और वहां मैं लगभग 4 वर्षों तक काम करने के बाद हमारे हेडमास्टर साहब आते थे और वो कहते थे हमारे इंचार्ज को, हमारे सीनियर रामनंदन बाबू को, इनको ले जाएंगे। और वो प्रयास में लगे हुए थे मेरी सेवा की मान्यता दिलवाने में लगातार। और अंतोगत्वा मैं पोस्ट ऑफिस के बारे में भी बहुत सारी बातें आपको सुनाऊंगा, आज सुनाना भी बहुत जरूरी है, तो देखता हूं कि कहां तक आज सुना पाता हूं। तो मैंने वहां नौकरी की और बड़ा आनंद से, बेगूसराय में ही थे, एसबीसीओ में थे, एसबीसीओ एक सेविंग बैंक का ऑडिट सेक्शन है, इसलिए कोई पब्लिक डीलिंग नहीं थी। मैं संयोग से कैंटीन का सेक्रेटरी भी था, बड़ा आनंद पूर्वक अपना जीवन, अब उसमें नाटक भी करता था, उसमें थाना के सामने पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, पूरा बीच का सब हटा के उसमें स्टेप पर्दा भी टांग दिया करते थे। तो पोस्ट ऑफिस में भी करीब 4 साल काम किया और पोस्ट ऑफिस के बीच का अनुभव अब मैं तीसरे एपिसोड्स में मैं सुनाऊंगा और वो डाकघर ही होगा, तो आप इसकी प्रतीक्षा करें। मेरे इस संस्मरण के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय अवश्य दें। आपकी नाराजगी भी हो सकती है, आपकी प्रसन्नता भी हो सकती है, और आपको मुझे जानने का अवसर भी मिल सकता हो कि मैं तो एक खुली किताब हूं, मैं भी तो एक खुली किताब हूं जो हर पन्ने आपके सामने खुले हुए हैं, आप इसको पढ़िए। और मैं कोई अपनी तारीफ करने की बात नहीं कर रहा, मैं सारी बातें सत्य सत्य बता रहा हूं और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं 100% सत्य बात आपको बता रहा हूं। हो सकता है कि इसमें कुछ बात छिपा रहा हूं, कुछ बातों को दबा रहा हूं, कुछ नामों को स्पष्ट नहीं कर रहा हूं, ये कमजोरी होती है। अरे ये कमजोरी इसलिए होना चाहिए कि खास करके अब कितनी लोगों से नाराजगी बोल रहे, जीवन में सारे लोग नाराज ही हमसे, आज जब देखिएगा तो मेरी इस नाराजगी का फल क्या है, सारे लोग नाराज है, घर के लोग नाराज है, रिश्तेदार नाराज है, समाज के लोग नाराज है, बहुत लोग नाराज, कुछ लोग खुश भी है। खैर जो भी हो मैं उसकी चिंता नहीं करता, मैं आपको अपनी बात सुनाऊंगा। कुछ लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कुछ लोग अपने जीवन पर आधारित उपन्यास लिखते हैं। मैंने सोचा कि अब आने वाली पीढ़ी ये इस मीडिया को ही महत्व देगी, इसीलिए मैं अपना आत्मसंघर्ष गाथा खुद व्यक्तिगत रूप से रख रहा हूं। आपको पसंद आवे अपनी राय इसके कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने तीसरी कड़ी को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।